वेर अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाई लेटर सेंट बाई पोस्ट वेर अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाई लेटर सेंट बाई पोस्ट द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी कम्प्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल वेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर वैन द लेटर रीच इज द प्रपोजल ये बात हम लोग कर चुके हैं फॉर इंस्टेंस इन द अब एग्जाम्पल इफ बी एक्सेप्ट एज प्रपोजल and sends his acceptance by post on 14th, the communication of acceptance as against a is complete on 14th when the letter is posted. as against b, acceptance will be complete when the letter reaches a. here, a, the proposer, will be bound by b's acceptance even if the letter of acceptance is delayed in post. even if the letter is delayed in post, as a q. ए एंड बी ए के पास ऑफर ए के पास एक्सेप्टेंस ए के पास ऑफर भी टिक हो गया एक्सेप्टेंस भी टिक हो गया बी के पास ऑफर टिक हो गया एक्सेप्टेंस ऑफर टिक हो गया एक्सेप्टेंस अभी पेंडिंग है तो इस भाई साहब के लिए तो दोनों टिक हो गया अगर ये लेटर जो आया अभी ये अभी अटका हुआ है रास्ता में तो भी ए बाउंड है क्या नहीं है विल ए बी बाउंड यस ठीक है एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंचा नहीं है तो भी इसके लिए देखो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस में टिक कब आ गया सोलह तारीख को जब इसने भेजा सोलह तारीख को डाल दिया लेटर तो यहां टिक आ गया सोलह तारीख को अब ये लेटर नहीं भी पहुंच रहा है तो भी एज बाउंड ए मना नहीं कर सकता अरे भैया तेरा लेटर तो पहुंचा नहीं मेरे पास तेरा एक्सेप्टेंस का लेटर नहीं पहुंचा मेरे पास अगर ए ऐसा कहे और ए बोलेगा देखो भैया ये तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल बी बोलेगा क्यों कैंसिल बोलेगा देखो तुम्हारा लेटर मेरे तक पहुंचा नहीं बी बोलेगा भैया देखो मैंने लेटर तो भेज दिया पोस्टल डिले है ये है वो है जो भी है मैंने तो हाँ भेज दिया जैसे मैंने हाँ किया कॉन्ट्रैक्ट तो आ गया तो ए बिचारा जो है पोस्टल वाला केस में ए के लिए जिस दिन उसने भेजा लेटर उस दिन से ए का जिम्मेदारी आ गया है कॉन्ट्रैक्ट में अब वो पोस्टल डिले हो कुछ भी हो ए पीछे नहीं हट सकता प्रपोजल विल बी बाउंड बाय बीज एक्सेप्टेंस इवन इफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिलेड बाय पोस्ट और लॉस्ट इन ट्रांसिट ये एकदम इंपॉर्टेंट है प्लीज समझ लीजिए द गोल्डन रूल इज प्रपोजल बिकम्स बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट द मोमेंट एक्सेप्टर पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बस ये गोल्डन रूल है दोस्त इसका मतलब है प्रपोजर जो है जैसे ही उसने एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया लेटर मिले नहीं मिले ए तो बाउंड हो गया कई बार ऐसे केसेस आए अगर ए को पता ही नहीं चला उसने हाँ बेला ना बोला भाई पता ही नहीं चला ले, लेटर पहुंचा ही नहीं बट मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो गया यही है बट इट इज लेटर इज करेक्टली एड्रेस्ड एडिक्वेटली स्टैम्प्ड एंड ड्यूली पोस्टेड ये तो जरूरी है अब एड्रेस हमने किसी और का नाम डाल दिया भेजना था माधुरी दीक्षित को भेज दिया ऐश्वर्या राय को तो ऐसे थोड़ी ना चलता इन सच एन इवेंट द लॉस ऑफ लेटर इन ट्रांजिट रॉन्ग डिलीवरी नॉन डिलीवरी विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हमने हाँ का चिट्ठी भेज दिया अब भैया तुम पोस्टल डिपार्टमेंट से जाके झगड़ा करो हमसे झगड़ा मत करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जाके झगड़ा करो कि इतना घटिया पोस्टल सिस्टम क्यों है चिट्ठी भैया भेजा तुम्हारे घर में पड़ोस के घर पे क्यों देकर मैं मुझसे मत पूछो भाई जब हम लोग ये काम कर रहे हैं बाय लेटर बाय पोस्ट तो ये खतरा तो भैया रहता ही है ये रिस्क जिस देश में रह रहे हैं अगर हमारा देश का मेडिकल सिस्टम अच्छा नहीं है हमारे डॉक्टर अच्छे नहीं है तो वो खतरा तो उस देश में रहने का हो गई अब हमारे देश का समझ लो अगर पुलिस अच्छा नहीं है घूसखोर नेता है तो भैया वो खतरा तो हो गई तो जैसे ही हमारा देश में पोस्टल डिवीजन ऐसा है चिट्ठी भेजते हैं ए को पहुंचता है बी को तो ये खतरा तो है बट भैया कॉन्ट्रैक्ट मेरे और तेरे बीच में था तुमने कुछ ऑफर दिया मैंने एक्सेप्ट किया मैंने एक्सेप्ट किया तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मेन कॉन्ट्रैक्ट भैया तेरे और मेरे बीच में है बाकी लेटर पोस्टल ये वो तो भैया एक्सेसरीज है अब एक्सेसरी में अगर दोष हो तो भी इंसान में थोड़ी ना दोष हो जाएगा हावेवर फ्रॉम द व्यू Point of acceptor. अब देखो, acceptor का मजा देखो ही वेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है तो प्रपोजल तो भैया फंस गया कॉन्ट्रैक्ट में जैसे ही उसने चिट्ठी भेजा एक्सेप्टर भैया फ्री है एक्सेप्टर का मजा तो देखो कोई वजह से लेटर नहीं पहुंचा सोचो ए, बी पंद्रह तारीख को पहुंच गया था चिट्ठी पढ़ लिया था पंद्रह तारीख को पढ़ लिया था सोलह को इसने भेजा तो यहाँ ये तो सोलह से ही बेचारा बंद गया है फ्रॉम सिक्सटीन ए बंद गया है मगर ये बंधा नहीं है बी भाई साहब एक्सेप्टर जो है ही इज स्टिल नॉट बाउंड बाई द कॉन्ट्रैक्ट ही स्टिल नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई वजह से इसका लेटर घूम रहा है इधर उधर ब्रह्म कर रहा है इसका लेटर पहुंचा ही नहीं यहां तक तो ये एक्सेप्टर बोलेगा भैया मेरा एक्सेप्टेंस है तेरे पास दिखा दिखा चिट्ठी जो मैंने भेजी थी तो बोलेगा नहीं यार मेरे पास तो तेरी चिट्ठी नहीं पहुंची मेरी चिट्ठी तेरे पास है नहीं पहुंची नहीं तो भैया का, का एक्सेप्टेंस सो इट इज क्रूशल इन दिस केस दैट लेटर रीच इज द प्रपोजल लेटर पहुँच जाए तो बहुत अच्छा है इफ देर इज नो डिलीवरी ऑफ द लेटर द एक्सेप्टेंस कुड बी ट्रीटेड एज हैंग बीन कम्प्लीटेड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द प्रपोजर अगर लेटर का डिलीवरी नहीं भी हुआ है तो प्रपोजर के हिसाब से तो एक्सेप्टेंस कम्प्लीट हो गया बट नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एक्सेप्टर एक्सेप्टर अभी भी फ्री घूम रहा है बात को समझिएगा प्लीज एक्सेप्टर का अभी तक एक टिक है दूसरा टिक अभी तक क्वेश्चन मार्क में है तो ये एक्सेप्टर अभी भी क्वेश्चन मार्क में अगर है तो ये कभी भी मुकर सकता है कुछ ना कुछ नया षड्यंत्र रच सकता है कि नहीं भैया मैंने तो एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं आपको ऑफ कोर्स दिस विल गिव राइज टू एन ऑकवर्ड सिचुएशन बिल्कुल क्या अजीब टाइप का सिचुएशन है ऑफ कोर्स दिस विल गिव राइज टू एन ऑकवर्ड सिचुएशन ऑफ ओनली वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिंग ट्रीटेड एज बाउंड इतना बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन है कि प्रपोजर तो बंद गया है और एक्सेप्टर खुला सांड की तरह घूम रहा है जब उसका मन में है वो चेंज कर दे बात को दो नो वन वुड बी श्योर एस टू वेयर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हैज गॉन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कहा किसी को पता ही नहीं है और क्योंकि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचा नहीं है प्रपोजर तक तो भैया एक्सेप्टर एकदम अभी भी फ्री है अब आइए बात करते हैं एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स वेन एन ऑफर इज मेड ऑफ इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन लाइक टेलेक्स टेलीफोन फैक्स और थ्रू ई मेल द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑनली कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑनली कंप्लीट वेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड वेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाई द ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस Where the acceptance is received. However, in case of call drops and disturbances in the line, there may not be a valid contract. Communication of special conditions. Sometimes there are situations where there are contracts with special conditions. These special conditions are conveyed tacitly, and the acceptance of these conditions are also conveyed by the offeree again tacitly or without. हेम इवन रियलाइजिंग इट तो क्या कमाल हो रहा है कि एक तो ऑफरी को स्पेशल कंडीशन बड़ा ही टैसेट तरीका से बड़ा ही साइलेंट तरीके से कम्युनिकेट कर दिया गया है और उस ऑफरी का भी एक्सेप्टेंस बड़ा ही टैसेटली बिना उस उसके रियलाइज किए बिना उसके रियलाइज किए मतलब मैं कुछ चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं दोस्त तो मुझे पता तो चलना चाहिए कि भाई मैंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया समझ के देखो बात को मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा ऑफर था मेरे बिना पता हुए ही मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया ऐसा होता है कभी कभी बड़ा खतरनाक है आइए पढ़ते इंस्टेंस वेयर अजर अंडर टेक्स ट्रैवल टिकट के पीछे में लिखा हुआ है एयरक्राफ्ट का है तो पैंतालीस मिनट पहले बोर्डिंग गेट क्लोज हो जाएगा ये सब सब कुछ लिखा हुआ पीछे अब समझ कोई अनपढ़ जिसको नहीं पता है वो गया पहुंचा भैया नहीं बोर्डिंग गेट तो क्लोज आपने तो कभी बताया नहीं ऐसा बताए नहीं मतलब देखो पीछे देखो टिकट के एकदम तो छोटा छोटा महीन महीन अक्षर में तो ये तो लिखा हुआ था हमने तो बता दिया था आपको समटाइम्स दी स्पेशल कंडीशन आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ पैसेंजर एंड समटाइम्स नॉट इन एनी इवेंट द पैसेंजर इज ट्रीटेड एज हैविंग एक्सेप्टेड द स्पेशल कंडीशन द मोमेंट ही बॉट द टिकट मतलब जैसे ही आपने हमारा टिकट खरीदा तो इसका मतलब है कि आपने एक्सेप्ट किया कि आप 45 मिनट पहले आएंगे एक्सेप्टेंस है आपका हमारे टिकट में लिखा हुआ है हमारे रूल्स में लिखा हुआ है तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको रूल्स पता है ये स्पेशल कंडीशंस आपको पता है ये आपको पूरा करना ही है और आप मान रहे हैं आप पहले ही हां कह दे रहे हो आपके तरफ से यस था रजामंदी था तभी तो आपने प्लेन का टिकट लिया क्योंकि तो आपको तो पता होना चाहिए कि भाई हर प्लेन का बोर्डिंग गेट पैंतालीस मिनट पहले क्लोज हो जाता है अब आपको नहीं पता है तो आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते तो दीज आर द स्पेशल कंडीशंस When someone travels from one place to another by air, it could be seen that special conditions are printed at the back of the air ticket in small letters. In non-computerized train ticket, even these are not printed. Sometimes these conditions are found to have displayed in the notice board of airlines office, which passengers may not have cared to read. Ticket ke bhi airline office ke The question here is whether these conditions can be considered to have been communicated to the passengers of the airlines.

एक केस है लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी पी डिलीवर्ड सम डिलिवर्ड टू ड्राई क्लीनर फॉर विच शी रिसीव्ड अ लॉन्ड्री रिसीट कंटेनिंग अ कंडीशन दैट इन केस ऑफ लॉस कस्टमर वुड बी एंटाइटल टू क्लेम फिफ्टीन परसेंट ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ वैल्यू ऑफ द आर्टिकल्स लॉन्ड्री का रिसीट के पीछे में लिखा हुआ आपका दस हज़ार का अगर साड़ी का कुछ नुकसान हो जाए खो जाए तो हम आपको पंद्रह सौ रुपया दे देंगे पीछे में लिखा हुआ है क्या आप पंद्रह परसेंट क्लेम कर सकते हैं तो एक बात बताओ कि ये टैसेट पीछे में लिखा हुआ है क्या ये सही है चलो एयरलाइन वाला तो चलो एक जनरल रूल है सबके लिए है और कोई ऐसा काम नहीं हो रहा एयरलाइन वाले रूल्स में कि भाई एक आदमी गलत तरीक़ा से आपके साथ पैसे कमा रहा है वो तो रूल्स है ये इन्होंने अपना एक रूल बना लिया है कि अगर आपका कोई सामान खो जाए तो पंद्रह परसेंट देंगे पीछे में लिखा हुआ है जैसे एयरलाइंस वाले में बोलता लिखा हुआ है तो वैसे ये लॉन्ड्री वाला भी बोल रहा लिखा हुआ है तो बताइए क्या करना है दस हज़ार का कोट दिया खो दिया पंद्रह सौ रुपया देंगे मतलब ये साढ़े आठ हज़ार का तो फायदा हो गया इसका अपने आप ये तो बड़ा मस्त धंधा है लॉन्ड्री करके तो पचास रुपया कमाएगा और ये पंद्रह परसेंट लिख कर सबका सामान ले लो लाखों रुपया का सामान ले लो ड्रेस मटेरियल ले लो और लाख रुपया का चीज पंद्रह परसेंट में सेटल कर लो तो वैसे भी ये देखा जाए तो ये अन्याय है गलत है तो so, हुआ क्या पी लॉस्ट हर न्यू साड़ी हेल्ड इन द टर्म्स वर अन पी वॉज एंटाइटल टू रिकवर फुल वैल्यू ऑफ द साड़ी फ्रॉम द ड्राई क्लीनर बिल्कुल मिलना चाहिए कि यह टर्म्स जो है अनरिजनेबल है इसका मतलब है कि एयरलाइंस वाले जो टर्म्स है वो रीजनेबल है अनरिजनेबल टर्म नहीं चलेगा इन द केसेज रेफर्ड अब रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट है विदाउटेस्ट एंड

Is sufficiently reasonable standard format but the acceptor will not incur any contractual obligation if the document is so printed and delivered to him in such a state that it does not give reasonable notice on its face that it contains special conditions standard contract special conditions are in this connection let us understand a converse situation a transport carrier accepted goods for transport without any conditions subsequently he issued a circular to the owners of goods limiting his liability for the goods in such a case since the special condition were not communicated prior to the date of contract for transport these were not binding on the owners of the goods ye pehle to aapne communicate kiya nahi बाद में आप बोले नहीं 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 मैं इतना जिम्मेदारी नहीं लूंगा तो बाद में कम्युनिकेट करने से नहीं चलेगा फिर टेलीफोन टेलेक्स वाला बड़ा interesting है टेलीफोन टेलेक्स वाला में क्या होता ना जैसे मैंने कुछ ऑफर दिया सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दिया अब जब वो एक्सेप्टेंस दे रहा है हो सकता है कि बीच में लाइन डिस्टर्ब हो गई तो अगर लाइन डिस्टर्ब हो गई है तो सामने वाले का जो उसने एक्सेप्टेंस दिया है ही हैज मेक श्योर कि आई हर्ड हिम या अगर किसी ने टेलेक्स भेजा है टेलेक्स बीच में ही गड़बड़ रह गया आपका कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का मुझ तक पहुंचा ही नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा इसका मतलब यह है कि अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो कुछ ऐसा सिस्टम से आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो जिसका पहुंचना या ना पहुंचना हो सकता है, पहुंचा हो सकता है, नहीं पहुंचा और आप श्योर नहीं हो आपने अपने तरफ से भेज दिया आपने अपने तरफ से टेलेक्स कर दिया वो पहुंचा या नहीं पहुंचा आई डोंट केयर ये ये एटीट्यूड नहीं चलेगा यू हैव टू केयर अगर आपने यस yes कहा है जी तो यू हैव टू केयर अगर आप टेलीफोन पे यस yes कह रहे हो समझो एक वापस एक इजी एग्जांपल लेता हूं डार्लिंग आई लव यू विल यू मैरी मी अब समझ लो सामने वाली भी कह रही है कि यस आई लव यू आई वॉन्ट टू मैरी यू समझना इस बात बट उसे शक हो रहा है कि जब उसने कहा यस आई लव यू उसे ये डाउट हो रहा है कि शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची उस तक तो क्या वो बेचारी शांति से सोएगी कि मैंने तो कह दिया आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू मैरी अब वो सो गई तो अब तो ये लड़का मेरा अब तो ये किसी और से शादी कर ही नहीं सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कह दिया बट उसे डाउट था कहीं ना कहीं मैंने जो कहा है क्या वाकई उसने सुना है उसे डाउट था तो डाउट में नहीं रहने का भाई अगर उसे डाउट था तो उसे कंफर्म करना है कि देखो मैंने भी कहा आई लव यू आई वॉन्ट टू मैरी यू डिड यू हियर दैट और नॉट लाइन बीच में डिस्कनेक्ट हो गया वो कह रही है कि यस आई लव यू आई वॉन्ट टू मैरी यू उसी के बीच में मैं चिल्ला रहा हूं हाँ क्या बोल रही हो सुनाई नहीं दे रहा है सुनाई नहीं दे रहा है मुझे तो सुनाई दे ही नहीं रहा है इट इज हर ड्यूटी शी शुड नो की आई हैव हर्ड हर क्लियरली आई हैव हर्ड हर क्लियरली दैट इज हर ड्यूटी सिर्फ कह डालने से कि मैंने तो कह दिया आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू नहीं चलेगा यू हैव टू मेक श्योर कि आपका एक्सेप्टेंस आपका एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन मुझ तक हो चुका है एकदम परफेक्ट तरीके से हो चुका है ये जरूरी है एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स यहाँ आपने को समझना ये कि जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है ना एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं बट आई है सामने वाले ने मेरा एक्सेप्टेंस को सुना है टेलेक्स भेजा है मैंने बट सामने वाले ने टेलेक्स का सही तरीका से पहुंच गया है वहां तक फैक्स भेज तो दिया है बट वो फैक्स जो मैंने भेजा वो प्रिंट हुआ ठीक से आया कि नहीं आया तो हमें कंफर्म करना पड़ता है कि भैया जो मैंने फैक्स भेजा आपको ठीक से रिसीव हुआ ये चीज कंफर्म करना पड़ता है सो व्हेन एन ऑफर इज मेड ऑफ इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन लाइक टेलेक्स टेलीफोन फैक्स थ्रू ई मेल द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑनली कंप्लीट वेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरी ये कंफ्यूजन लाइन लगता है कि एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरी ऑफर किया था तो एक्सेप्टेंस तो ऑफर वाले जो करते हैं ऑफरर को रिसीव होना चाहिए बट ये एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरी का क्या मतलब है कि भाई जो मैंने एक्सेप्टेंस किया है वो ऑफरर के पास चला गया है और ऑफरर कंफर्म कर दे रहा है कि भैया हाँ तुम्हारा एक्सेप्टेंस हमने रिसीव कर लिया सो द एक्सेप्टेंस इज रिशीव बाय द ऑफरी एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव हावर इन केस ऑफ कॉल ड्रॉप एंड इन द लाइन देयर में नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो कॉल ड्रॉप हो गया हमने क्या कहा आपने सुना ही नहीं तो भैया ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है भैया अब अपने को बात करना कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन फोर

ए एंड बी प्लस 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 यहाँ टिक हो गया यहाँ टिक हो गया यहाँ टिक हो गया और यहाँ क्वेश्चन मार्क रह जाता है जब तक ये नहीं पहुंचेगा नहीं नॉलेज में आएगा तब तक ये प्लस का टिक नहीं होगा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रपोजर द अदर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर from the view point of proposer when the acceptance is put in the course of transmission when it would be out of the power of acceptor to a and b why plus plus to offerer ka proposer ke view point se when the acceptance is put in the course of transmission yahan he is put in the course of transmission यहां टिक यहां टिक। when it would be out of ऑफ power ऑफ एक्सेप्टर एक्सेप्टर के हाथ से निकल चुका है प्रपोजल जब ये पहुंच गया ये रीड कर लिया यहां पर तब यहाँ times, टाइम्स दी मे बी रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट द परफॉर्मेंस और एक्ट बाई वे ऑफ एक्सेप्टेंस अपने पढ़े हैं कि कुछ हरकत करो आप इन दिस केस इट इज नॉट इनफ इफ द ऑफरी मीयरली परफॉर्म्स द एक्ट बट ही शुड ऑल्सो कम्युनिकेट हिज परफॉर्मेंस सिर्फ परफॉर्म कर दिया कम्युनिकेट नहीं किया तो नहीं चलेगा अनलेस द ऑफर इंक्लूड्स अ टर्म दैट मियर परफॉर्मेंस विल कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस सिर्फ परफॉर्म कर दो तो भैया एक्सेप्टेंस हो गया द पोजिशन क्लियरली एक्सप्लेन द फेमस केस ऑफ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक एंड स्मोक बॉल कंपनी इन दिस केस द डिफेंडेंट अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न मैनुफैक्चरिंग मेडिसिन देखो इस केस में क्या होता है ये समझना जरूरी है एक कंपनी है उसने कहा कि भाई मेरा ये स्मोक बॉल जो भी यूज करेगा एज पर द डायरेक्शन उसे कोई भी प्रकार का इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता है। और अगर हो गया तो हम इनाम देंगे तो एक मिसेस कार्लिल थी उसने इनका स्मोक बॉल ख़रीदा यूज़ किया और उसके बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया तो अब वो कंपनी के ऊपर केस करती कि आप मुझे इनाम दीजिए कंपनी का ये कहना है कि भाई तुमने हमारे ऑफ़र को एक्सेप्ट किया तुमने हमारे ऑफ़र को एक्सेप्ट किया बट तुमने एक्सेप्टेंस को हम तक तो पहुंचाया नहीं तुमने तो बताया नहीं कि तुमने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट किया है तो क्योंकि तुमने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट किया इसका कम्युनिकेशन तुमने हमें नहीं दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है और ये केस ऐसा था कि इसमें क्या बोला जा रहा है आपने अगर मेरे कंडीशंस को पूरा कर लिया मेरे ऑफर में जो कंडीशंस है अगर आपने उस कंडीशंस को पूरा पूरी निभा दिया है तो ये हम मान लेंगे कि आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी आ गया है वी विल डीम दैट इट इज़ एक्सेप्टेंस एंड योर एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो कम्युनिकेटेड टू अस आपको अलग से कम्युनिकेट नहीं करना पड़ेगा अब जैसे अगर कोई कंपनी बोले हमारे स्मोक बॉल खरीद लो और ये ट्राई कर लो और उसके बाद भी अगर आप ठीक नहीं हो तो हम इनाम देंगे तो हर एक पर्टिकुलर अब लाखों लोग अगर यूज़ कर रहे हैं तो लाखों लोग अलग से फोन कर करके तो कंपनी को बताएंगे नहीं मैंने तुम्हारा खरीद लिया है और मैं यूज़ करके देख रहा हूँ आज दूसरा दिन है आज तीसरा दिन है वी विल नॉट कम्युनिकेट टू द कंपनी हमने आपका सामान खरीद लिया है ख़रीद के या पर योर इंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर रहे हैं दैट इट सेल्फ मीन्स कि हमने आपकी बातों को मान लिया है आपके बातों को वर्ड बाय वर्ड मान के चल रहे हैं तो अगर उसके बाद भी आपकी बात मानने के बाद भी काम पूरा नहीं हो रहा है मुझे इन्फ्लुन्जा हो गया है तो इसका मतलब आपने गलत ऑफ़र दिया था गलत ऑफ़र दिया था कि आप ठीक हो जाओगे और आपने ये भी कहा था कि अगर ठीक नहीं हो गए तो इनाम देंगे तो चलो मेरा इनाम निकालो तो यही हम पढ़ने वाले हैं एट टाइम्स द ऑफरी मे बी रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट द परफॉर्मेंस और एक्ट बाई वे ऑफ एक्सेप्टेंस इन दिस केस इट इज नॉट इनफ इफ द ऑफरी मियरली परफॉर्म्स द एक्ट बट शुड ऑल्सो कम्युनिकेट हिज परफॉर्मेंस अनलेस द द ऑफर ऑफर अनलेस इंक्लूड्स अ टर्म दट मियर परफॉर्मेंस विल कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस सिर्फ परफॉर्मेंस कर दो तो एक्सेप्टेंस अपने आप हो गया एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं करना पड़ेगा द पोजिशन वॉज क्लियरली एक्सप्लेन इन द फेमस केस ऑफ कार्लज कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी इन दिस केस द डिफेंडेंट अल प्रोपराटरी कंसर्न मैनुफैक्चरिंग अ मेडिसन डिफेंडेंट मतलब जिसके ऊपर केस हुआ है तो केस किसके ऊपर हुआ है एक कंपनी जो कि प्रोप्राइटरी कंसर्न था मैन्युफैक्चर करता था मेडिसिन को ठीक है तो क्या हुआ था उसमें? है जला लो जलाने से जो धुआं निकलेगा धुआं को सूंघ लो तो उससे तुम्हारा इन्फ्लुएंजा ठीक हो जाएगा इन्फ्लुएंजा हो कोल्ड हो या अदर कनेक्टेड एलिमेंट्स और इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट इशू किया फॉर सेल ऑफ दिस मेडिसिन द एडवर्टाजमेंट ऑल्सो इंक्लूडेड ऑफ वन हंड्रेड डॉलर टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा आफ्टर यूजिंग द मेडिसिन कि मेरा दवाई इस्तेमाल कर लो उसके बाद अगर तुम्हें इन्फ्लुएंजा हुआ एक सौ डॉलर इनाम देंगे तो ये एक सौ डॉलर इनाम देंगे ये हो गया ऑफर तो ऑफर के साथ होना चाहिए एक्सेप्टेंस विच वॉज डिस्क्राइबड एज कार्बोलिक स्मोक बॉल अब देखो क्या हो रहा है मिसिस कार्लिल बॉट दी स्मोक बॉल्स एंड यूज देम एज डायरेक्टेड बट कॉन्ट्रैक्टेड इनफ्लुएंजर इट वॉज हेल्ड एट मिसेज कार्लिल वॉज एंटाइटल्ड ऑफ वन हंड्रेड डॉलर एज शी हेड परफॉर्म द कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस शीज परफॉर्मड द कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस तो परफॉर्मेंस हो गया कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ऑफर होना चाहिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए तो ऑफर तो कंपनी की तरफ से था ही मिसेस कार्लिक ने स्मोक बॉल खरीद लिया खरीद के जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस में लिखा था उसने कर लिया तो ये काम जो उन्होंने किया है ये अपने आप में ही ऑफर का एक्सेप्टेंस हो गया ऑफर था भैया मेरा बॉल खरीद लो खरीद के ये कर लो तो हमने कर ही लिया ना करने का मतलब ही हमने तुम्हारा ऑफर को मंजूर किया है सीधा सीधी बात है फर्दर एज द एडवर्टाइजमेंट डिड नॉट रिक्वायर एनी कम्युनिकेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ द कंडीशन

दट ही वुड बी बाउंड प्रोवाइडेड द टर्म्स स्पेसिफाइड बाई हिम आर एक्सेप्टेड उसके टर्म्स अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं तो ए बाउंड हो जाएगा एंड ऑफर में बी मेड इधर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और टू पब्लिक एट लार्ज तो ये ए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी तो पूरे पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दे दिया तो पर्टिकुलर पर्सन को हो सकता है बी या पूरा पब्लिक एट लार्ज ये हो सकता है हाँ जी ये नया बात समझ में आए इस केस के बाद

इवन विदाउट एनी कम्युनिकेशन देयर ऑफ इज टू बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेंस ऑफ दम्युनिकेट कंपनी को नहीं की बट आपने जो हरकत करने को कहा था मैंने वो हरकत कर लिया तो आपका हिसाब से जो जो काम करना था मैंने किया तो मैंने किया इसका मतलब भाई मैंने आपका ऑफर को एक्सेप्ट किया तभी ना किया एज सिंपल एज दैट रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस

of the proposal or its acceptance is complete communication of revocation revocation kya cheez ka revocation either of the proposal ya revocation of acceptance is complete revocation complete hone se hoga kya pehle to ye bataiye offer ko revoke kar diya humne offer दिया और उसको cancel कर दिया तो भाई जब ऑफर ही कैंसिल हो गया तो एक्सेप्टेंस का कोई बात ही नहीं आता जब एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट का भी कोई बात नहीं आता तो ऑफर रिवोक करने से ही सब कुछ खत्म अब एक्सेप्टेंस को रिवोक कर कर तो करने से भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मगर याद करो ए एंड बी का जो पोस्टल वाला जो स्कीम था जैसे इसने पोस्ट में डाल दिया यहां डबल टिक हो गया तो ये तो बाउंड हो ही गया है इसके लिए तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनी गया है ए के लिए बी को जब रिवोक करना है तो इसको पहुंचने से पहले इसे रिवोक करना है अगर पहुंच गया तो रिवोक किया तो फिर ये रिवोकेशन नहीं होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बन चुका है बात को समझिए तो आइए देखते हैं एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट रिवोकेशन का बात कर रहे हैं हम लोग ए ने प्रपोजल बनाया था दस तारीख पहुंचा बारह तारीख को तो रीड किया पंद्रह तारीख को एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट वेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू होम इट इज मेड सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट तो ये रिवोकेशन कब हुई है जब इसने समझ लो ग्यारह तारीख को रिवोकेशन का भेज दिया

by a telegram if you revoke your proposal made to me by a telegram the revocation will be complete as far as you are concerned when you have dispatched the telegram बिल्कुल सही हमने टेलीग्राम 11 तारीख को टेलीग्राम डाल दिया स्पीड पोस्ट या टेलीग्राम 10 तारीख को भेजा 11 तारीख को रिवोकेशन का काम कर रहे हैं बात कर रहे हैं एक बट एज फार एज आई एम कंसर्न अगर हम बी का बात करें इट विल बी कम्प्लीट ओनली वेन आई रिशीव द टेलीग्राम अब ऑर्डनरी पोस्ट को समझ लो उसने पंद्रह तारीख को पढ़ा और टेलीग्राम अगर पहले पहुंच जाता है टेलीग्राम का तो मतलब पहले पहुंचने का तो तेरह तारीख को पहुंचता है तो पहले क्या कम्युनिकेशन गया है बी के पास कि भैया मैंने एक ऑर्डनरी पोस्ट से तुम्हें कुछ भेजा है ऑफर मैं उस ऑफर को कैंसिल करता हूँ तो ये पहले क्या पढ़ रहा है कैंसिल वाला खबर पढ़ रहा है तो पहले कैंसिल वाला खबर पढ़ रहा है तो ये रिवोकेशन हो गया यहाँ पर एज रिगार्ड्स रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इफ यू गो बाई द अबव एग्जाम्पल आई कैन रिवोक माई एक्सेप्टेंस ऑफ योर ऑफर बाई अ टेलीग्राम दिस रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाई मी विल बी कंप्लीट वेन आई डिस्पैच द टेलीग्राम एंड अगेंस्ट यू इट विल बी कम्प्लीट वेन इट रीचेज यू रिवोकेशन का जैसे ही मैंने टेलीग्राम डाल दिया तो मेरे लिए ये कम्प्लीट हो गया तुम जब रीच जब तुम्हारे तक पहुँचेगा तब तुम्हारे लिए कम्प्लीट होगा बट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंसिडरेशन इज वैन अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ट वैन अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ट एंड वेन कैन एंड एक्सेप्टेंस बी रिवोक्ट तो भाई कहीं ना कहीं कुछ तो रूल होना चाहिए ऐसे भेज दिए फिर रिवोक कर लिए फिर एक्सेप्ट कर लिए फिर रिवोक्ट कर लिए ऐसे थोड़ी ना होता है दीज क्वेश्चन आर मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वेश्चन वेन द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ऑर्डिनरली द ऑफर कैन रिवोक हिज ऑफर ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ रहा हूँ मैं अभी ऑफर बिफोर इट इज एक्सेप्टेड अब आया ना बात अगर यहां पर ऑफर एक्सेप्ट हो गया है तो कैसे रिवोक करेंगे वापस से अपना एग्जाम्पल ए बी ए ने भेजा दस तारीख को पहुंचा बारह तारीख को पढ़ा पंद्रह तारीख को समझ लो पंद्रह को ही एक्सेप्ट कर लिया अपना एक्सेप्टेंस भेज दे रहा तो ये एक और रिवोक अगर करना है ऑफर तो उससे पहले पंद्रह से पहले ही इसको रिवोकेशन का लेटर या टेलीग्राम पहुंच जाए चौदह को पहुंच जाए तब तो कुछ बात बनता है अगर एक्सेप्ट हो गया है एक्सेप्ट करने के बाद रिवोक नहीं हो सकता रिवोक ऑफ ऑफर नॉट पॉसिबल आफ्टर एक्सेप्टेंस ठीक है सो so, ऑर्डिनरली The offerer can revoke his offer before it is accepted. If he does so, the offeree cannot create a contract by accepting the revoked offer. For example, the bidder at an auction sale may withdraw, revoke his bid offer before it is accepted by the auctioneer by the fall of the hammer. एक्सेप्ट नहीं हुआ है राइट right? उससे पहले ही मैंने विड्रॉ कर लिया तो चल सकता है एंड ऑफर मे बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इवन दो ही ओरिजिनली अग्रीड टू होल्ड इट ओपन फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम पहले मैंने कहा था कि नहीं भाई ये मैं इस इतना तक मैं रखूंगा होल्ड करके रखूंगा ऑफर को बाद में बट तुमने एक्सेप्ट तो नहीं किया ना अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया होता भाई मैंने कहा था भाई मैं एक महीना तक ये ऑफर को रखूंगा ठीक है तुमने तो अगर एक महीने के अंदर अभी तो पच्चीस दिन हो गया तुमने अभी तक एक्सेप्ट किया नहीं है मेरा मर्ज़ी है मैंने कहा था तीस दिन तक ये ऑफर है बट मेरा मर्जी है कि मैं इस ऑफ़र को विड्रॉ करना चाहता हूँ मतलब ऑफ़र देने के बाद अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो मेरी मर्जी का सम्मान किया जाएगा अब मेरा दिमाग में कुछ भी आया हो क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट इज कंसेंस एट आइडम फ्री कंसेंट अब अगर मेरे मन में जो ऑफर दिया है जो व्यक्ति ने ऑफर दिया है अब उसी के मन में कुछ भी डावाडोल हो रहा है ही इज़ नॉट हैप्पी बाई हिज ऑफ़र तो चेंज कर सकता है वो अधिकार है बट अगर ऑफ़र दे दिया है और मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है तब भैया चेंज नहीं कर सकते अभी तक मैंने ऑफर दिया बट मेरे ऑफर को किसी ने एक्सेप्ट किया ही नहीं है मेरा मैं अभी ओपन हूँ अभी तक मैं बंधा नहीं हूं आई एम नॉट बाउंड बाई द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज नो हैज एक्सेप्टेड माई ऑफर येट सो एज लॉन्ग एज इट इज अ मीयर ऑफर अभी तक तो इसका स्टेटस सिर्फ ऑफर का है इट कैन बी विद्रॉन वैन एवर दर्स एवर दर्स क्योंकि अभी तक इसका स्टेटस ऑफर का ही है एक्सेप्टेंस मिलता तो कॉन्ट्रैक्ट बनता एक्स ऑफर टू सेल फिफ्टी बेल्स ऑफ कॉटन एट अ एटन प्राइस एंड टू कीप इट ओपन फॉर एक्सेप्टेंस

यार तूने तो कहा था छह बजे तक वेट करूंगा हाँ मैंने कहा था वेट करूंगा बट यार कोई बंदा आया खरीद के ले गया तो मैं क्या कर सकता हूँ कोई कोई अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं मैंने ऑफर दिया था कहा था छह बजे तक वेट करूंगा अगर कोई और नहीं लेके जाता तो तेरे लिए छह बजे तक वेट कर ही रहा था मैं बट आफ्टर द रिवोकेशन बाई एक्स इसका मतलब क्या एक्स ने जो बेच दिया किसी और को तो वो ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो गया 6 पीएम तक का ऑफर था बट मैंने किसी और को बेच दिया क्यों बेच दिया मैंने अपने ऑफर को कैंसिल क्यों कर दिया मेरी मर्जी मैंने कहा था छः बजे तक ऑफर वैलिड है ठीक है कहा था वैलिड है छः बजे तक वैलिड है बट मैं चाहूँ तो विदड्रॉ कर सकता हूँ क्योंकि अभी तक छः बजे तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया पाँच बजे तक एक्सेप्ट नहीं किया तीन बजे तक एक्सेप्ट नहीं किया विदड्रॉल का पावर है मेरे पास विदड्रॉवल का पावर कब तक है मेरे पास जब तक कोई एक्सेप्ट ना कर ले सिंपल सी बात इन दिस केस इट वाज हेल्ड द ऑफर वाज ऑलरेडी रिवोक्ड तो रिवोक्ड ऑफर को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे रिवोक्ड ऑफर रिवोक्ड ऑफर को एक्सेप्ट करने से क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं बनेगा ठीक है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन फाइव ऑफ द एक्ट प्रपोजल कैन बी रिवोक्ट एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रोपोजलस्ट द प्रोपोजल मतलब जैसे उसने चिट्ठी डाला था डालते के साथ तो यहाँ कंप्लीट हो जाता दो टिक आ जाता बट अभी तक डाला नहीं है अभी तक डाला नहीं है सोच रहा है कि हाँ मैं एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दू सोच रहा है डाला नहीं है तो ये कैंसल कर सकता है एन एक्सेप्टेंस में रिवोक्ट एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर का मतलब ये चार लाइन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार लाइन पे ही पूरा क्वेश्चन आने वाला है अगेंस्ट द एक्सेप्टर मतलब क्या है कि एक्सेप्टर रिवोक कब कर सकता है जैसे मैंने आपको ड्राइंग में बताया था ए बी ए ने भेजा दस को बारह को पंद्रह को तो 15 तारीख को ये ऑफर टिक ऑफर 15 तारीख को टिक एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस ऑफर ठीक है अब जिस दिन लेट से 16 तारीख को 16 तारीख को ये बी जो है ये एक्सेप्टेंस भेज रहा है या चलो 17 तारीख को भेज रहा है ये चलो अठारह तारीख को भेज रहा है पंद्रह तारीख को पढ़ लिया है सोच रहा है तीन दिन सोचने के लिए चाहिए तो पंद्रह तारीख का स्टेटस क्या है दोनों का ऑफर टिक सोलह तारीख का स्टेटस क्या है ऑफर में, में टिक अब सत्रह तारीख को ए के दिमाग में आया कि यार मुझे कैंसिल करना है रिवोक करना है तो अभी तक तो ए ने बी ने अभी तक बी ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया है ठीक है ए चाहे तो सत्रह तारीख को ऑन सेवनटीन ए कैन रिवोक ठीक है ए कैन रिवोक अब अठारह तारीख को जैसे ही इसने ट्रांसमिशन में डाल दिया तो अठारह तारीख को एक्सेप्टेंस आ जाता है एक्सेप्टेंस आ गया अठारह तारीख को अब भैया ए के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो इसे रिवोक कर सके तो एटीन जैसे ही एक्सेप्टेंस आ गया ए का पावर खत्म ही इज बाउंड बाई द कॉन्ट्रैक्ट ही इज़ बाउंड मतलब अब रिवोक नहीं कर सकता अब बी का बात कर लेते हैं कि बी कब तक बाउंड है या बी कब रिवोक कर सकता है अब बी कब रिवोक कर सकता है, है? आइए वो भी समझ लेते हैं बी का तो हमने बताया था कि बी का बड़ा मजा है ए तो बाउंड हो गया अठारह तारीख को ही right? राइट अब बी बाउंड कैसे हो रहा कब होगा बी के साथ मजा क्या मिल रहा है बी के लिए बोला गया ऑफर एक्सेप्टेंस तो ऑफर तो पंद्रह तारीख को आ गया क्योंकि इसने रीड कर लिया था 18 तारीख को उसने भेजा है बोला जाता है कि जब तक ये लेटर जब तक ये लेटर एक तक नहीं पहुंचे तब तक यहां पर टिक नहीं आएगा अगर ये लेटर ट्रांसिट में खो गया तो भी यहां टिक नहीं आएगा ठीक है तो जब तक ये पहुंचे नहीं तब तक यहां टिक नहीं आना है तो पहुंचने से पहले अगर ये स्पीड पोस्ट से अपना रिवोकेशन को पहले पहुंचा दे तो हो गया रिवोक तो जैसे ही अगर इसने बी ने पहले पहुंचा दिया स्पीड पोस्ट से तो कहने का मतलब है कि बी का रिवोकेशन कब तक पॉसिबल है बिफोर ओरिजिनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बिफोर ओरिजिनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस हिज रिवोकेशन शुड रीच इतना ही सा तो बात है वो स्पीड पोस्ट से स्पीड में भेज दे पहले से स में रिवोक्ट एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ मतलब एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होने का मतलब क्या है कि जो मैंने एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा था अभी तक प्रपोजल तक नहीं पहुंचा है उससे पहले कि वो लेटर पहुंचे मेरा रिवोकेशन पहुंच गया बात खत्म ए प्रपोजेज बाय लेटर Sent by post to sell his house to B. B accepts the proposal by letter, sent by post. A may revoke his proposal at any time before or at the moment when B posts his letter of acceptance, but not afterwards. Whereas B may revoke his acceptance at any time before or at the moment when the letter communicating it reaches A. बट नॉट आफ्टरवर्ड वही बात मैंने आपको बताया एन एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर मस्ट बी मेड एन एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर मस्ट बी मेड बिफोर दैट ऑफर लैप रिवोक्ट रिवोक हो गया तब एक्सेप्टेंस का फायदा नहीं ऑफर लैप्स हो गया तो भी एक्सेप्टेंस का फायदा नहीं द लॉ रिलेटिंग टू रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज सेम इन इंडिया एज इन इंग्लैंड बट द लॉ रिलेटिंग टू Revocation of acceptance is different. In English law, the moment a person expresses his acceptance of an offer, that moment the contract is concluded and such acceptance becomes irrevocable, whether it is made orally or through post. In India, the position is different as regards contract through post. दिमाग मत लगाओ जो हमने पढ़ा है एज रिगार्ड्स पोस्ट अपने को वही काम में आने वाला है कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट एज एक्सेप्टेंस इन इंग्लिश लॉ कैन नॉट बी रिवोक्ड सो दैट वंस द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रॉपरली पोस्टेड द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड अंग्रेज लॉ में एक बार जो मैंने कह दिया अब जब मैंने एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया तो मैं वापस रिवोक नहीं कर सकता हूँ इन इंडियन लॉ द एक्सेप्टर कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिचेज द रिवोकेशन टेलीग्राम वही जो मैं बोल रहा था इफ द रिवोकेशन टेलीग्राम अराइव बिफोर और एट द सेम टाइम letter ऑफ एक्सेप्टेंस द रिवोकेशन इज absolute, ठीक है कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन जैसे मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन सामने वाले को एकदम श्योर होना चाहिए कि मैंने जो कहा है मैंने जो एक्सेप्टेंस दिया है जैसे मैंने कहा भाई तुम उससे शादी करोगी सामने वाली कह रही हाँ मैं शादी करना चाहती हूँ बट मैं सुनी नहीं पा रहा हूं अब मैं सुना नहीं और उसे पता है कि शायद मैं नहीं सुना शायद तो जब तक मैं नहीं सुना हूं तो वो कैसे शांति में रहेगी समझ लो मैंने कहा भी देखो मेरे जिंदगी में दो लड़की है एक मधुबाला और एक माधुरी दोनों मेरे अच्छी फ्रेंड्स हैं तो मैंने माधुरी को फोन किया देखो भाई अगर तुम मुझसे वाकई बहुत प्यार करती हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा वरना मैं मधुबाला से करूँगा तो अब माधुरी चाहती है कि भाई वो मेरे से शादी कर ले तो वो बोले नहीं 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 तुम मधुबाला से शादी मत करना मैं हाँ क्या बोल रही हो नहीं 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 तुम मधुबाला से शादी मत हेलो सुनाई नहीं दे रहा अरे मैं कह रही हूँ कि तुम मधुबाला से शादी मत करना मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ हेलो 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 अब एक बात बताओ क्या माधुरी सिर्फ इतना सा बात बोल के शांति से खुशी मनाएगी कि हाँ हाँ मैंने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तुमसे शादी करना चाहती हूँ तुम मधुबाला से शादी मत करना नहीं 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 माधुरी को नींद नहीं आएगा भाई रात भर वो सोचेगी कि भाई मैंने जो कहा है उसने ठीक से सुना है या नहीं वो चाहेगी कंफर्म करना हेलो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है मुझे तो माधुरी वापस से बोलेगी इसका मतलब हो क्या रहा है वो अपना एक्सेप्टेंस को दोहरा रही है शी इज रिपीटिंग हर एक्सेप्टेंस शी इज कीपिंग ऑन रिपीटिंग अरे हाँ मैं कह रही हूँ कि आई लव यू आई वॉन्ट टू मैरी यू मुझे सुनाई नहीं दे रहा है अब समझ लो अगर मुझे सुनाई भी दे रहा है फिर भी मैं अगर बदमाशी से बोल रहा हूँ मुझे सुनाई नहीं दे रहा है तो वो रिपीट किए जा रही है ना अरे मैं कह रही हूं कि प्लीज डार्लिंग आई लव यू प्लीज डोंट थिंक ऑफ मैरिंग मधुबाला आई लव यू एंडल मेक अ वेरी गुड वाइफ फॉर योर्स प्लीज डोंट मैरी मधुबाला आई लव यू आई वॉन्ट टू मैरी यू सुना ठीक से मैंने क्या कहा मैंने कहा हाँ जी मुझे समझ में आ गया तुमने कहा है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो मैं मधुवाला से शादी नहीं करूंगा तो ये हुआ ना बात तो अब माधुरी को एकदम कंफर्मेशन मिल गया कि जो उसने कहा है मैंने सुना है तो ये ज़रूरी है या नहीं है इसका मतलब एक्सेप्टेंस जो है माधुरी का शी इज़ कीपिंग ऑन रिपीटिंग हर एक्सेप्टेंस अंटरनलिस शी इज श्योर कि उसका एक्सेप्टेंस मुझ तक पहुंच गया आइए पढ़ते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड ओवर टेलीफोन

दैट हाँ हर एक्सेप्टेंस न अब यहाँ हर रहा हर एक्सेप्टेंस इज रिसीव बाई द ऑफर अदरवाइज देर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट अब मैं सुना ही नहीं माधुरी कह रही है कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अब देखो ऐसा हुआ कि माधुरी कह रही है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ बट मधुबाला ने पीछे से ना तार काट दिया अब मैं मुझे पता ही नहीं मधुबाला ने तार काट दिया और अब मधुबाला बोल रहे अरे पता है घमंडी है देखो तुमने शादी का ऑफर किया लाइन तुम्हारे मुंह पे काट दिया देखो कुछ सुनाई दे रहा है उसने लाइन नहीं काटा मधुबाला ने पीछे से लाइन काट दिया अब माधुरी का कम्युनिकेशन मुझ तक पहुंचा ही नहीं अब बाद में माधुरी आके बोल रही अरे देखो कैसे हो तुम मैंने तो तुम्हें कह दिया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं अब तुम मधुबाला से शादी कैसे कर लिए तो मैं माधुरी को कहूंगा ना अरे माधुरी तुम्हारा तो एक्सेप्टेंस मुझ तक पहुंचा ही नहीं था भाई मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहता था मैं तो वेट कर रहा था तुमसे सुनने के लिए द थ्री गोल्डन वर्ड्स आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू बट तुमने तो कहा ही नहीं अब माधुरी कह रही अरे नहीं मैं तो कह रही थी पहुंचा नहीं तुम तक तुम्हें तो बोला नहीं पहुंचा ही नहीं तो पहुंचना जरूरी है द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म एज सुन एज द ऑफर इज एक्सेप्टेड बट द ऑफरी माधुरी ऑफरी कौन है माधुरी जैसे माधुरी चाहती है मेरे से शादी करना भाई तो उसने मेरा ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया विल यू मैरी मी उसने एक्सेप्ट कर लिया बट सिर्फ एक्सेप्ट करने से तो नहीं होगा ना भाई उसका एक्सेप्टेंस तो मुझ तक पहुंचना होगा वो हेलो हेलो कर रही हां मैं शादी करना चाहती हूँ तुमसे बट वो एक्सेप्टेंस पहुंच ही नहीं रहा मेरे तक ये इंपॉर्टेंट है बट ही मस्ट मेक श्योर दैट हर एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर अदरवाइज देर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट अब माधुरी को भी दुख हो रहा है उसे पता चल गया कि उसका एक्सेप्टेंस मेरे तक पहुंचा नहीं है अब वो बार बार फ़ोन पे फ़ोन मिलाए जा रही है बट यहाँ तो माधुवाला ने मेरा लाइन डेड कर दिया अब मुझे लग रहा है कि भाई पता नहीं शायद माधुरी मेरे से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसका अभी तक कोई भी फ़ोन नहीं आ रहा है कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है तो मैंने भैया मधुवाला से शादी कर ली क्योंकि अदरवाइज देर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि माधुरी अभी तक श्योर नहीं है वो चाहती है उसने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया है बट उसका एक्सेप्टेंस मुझ तक नहीं पहुंचा है और ना कि पहुंचा नहीं है और उसे कंफर्म भी नहीं है कि मुझ तक पहुंचा है तो क्या माधुरी फ्यूचर में आके क्लेम करेगी मेरे ऊपर बदतमीज कहीं के शादी का वादा मुझसे किया शादी कर लिया मधुबाला से कमीने कहीं के शर्म आती है मुझे तुम पर माधुरी के ऐसा बोलेगी नहीं बोल सकती क्योंकि उसका कम्युनिकेशन मुझ तक नहीं पहुंचा कम्युनिकेशन का पहुंचना नहीं और कन्फर्मेशन भी नहीं मिला तो वो बस यही सोच गई है भगवान कैसे भी मेरा लाइन उससे जुड़ जाए कैसे भी मैं बता दूँ अपने मन की बात नहीं बता पाई अनफॉर्चुनेटली एज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्प्लीट ठीक है एज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्प्लीट इफ टेलीफोन अनएक्सपेक्टेडली गोज डेड ड्यूरिंग कन्वर्जेशन द एक्सेप्टर मस्ट कन्फर्म अगेन दट द वर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेंस व्यूली हर्ट बाई द ऑफरर तो ये बात है मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ चुका है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदरवाइज देन बाई कम्युनिकेशन प्रपोजल को हम रिवोक्ट कर रहे हैं बिना कोई कम्युनिकेशन के वेन अ प्रपोजल इज मेड द प्रपोजल में नॉट वेट इन डेफिनेटली फॉर द एक्सेप्टेंस द ऑफर कैन बी रिवोक्ट अदरवाइज देन बाई कम्युनिकेशन और समटाइम्स बाई लैप्स हमेशा इनडेफिनेट पीरियड के लिए थोड़ी ना बैठेंगे भाई ऑफर दे दिया तो बैठे रहेंगे हाँ अब माधुरी से कहा कि भाई तुम मुझसे शादी करोगी बोला हाँ सोच के बताते हैं भैया पंद्रह साल हो गया अभी तक बताया नहीं अभी तक नहीं बताई देखो बीस साल की उम्र में बोले थे उसको पैंतीस साल का हो गया हूँ अभी तक नहीं बताई तो मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाई नोटिस ऑफ रिवोकेशन माधुरी को फ़ोन करके बोल दिया मैंने देखो माधुरी अब देखो तुम तो बता नहीं रही हो अब मैं सीधा सीधी अब मैं ऐश्वर्या से शादी कर रहा हूँ ठीक है तो बाई नोटिस ऑफ रिवोकेशन मेरा यहाँ माधुरी एंड ऐश्वर्या मैं बॉलीवुड के कोई भी कलाकार का रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ ठीक है आप लोग प्लीज़ वैसा मत सोचिएगा कल को आप लोग अभिषेक भाई को कंप्लेन कर दो ठीक है जी बाई लैप्स ऑफ टाइम

मजाक पा लिया है क्या भाई जून का चीज़ नवंबर में अब आप ही के कंपनी के लिए वेट कर रहे हैं हम दिस डिसीजन वॉज ऑल्सो फॉलोड इन इंडियन इंडिया कोऑपरेटिव नेविगेशन एंड ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस पद्मश्री प्रेम जी हाउएवर दीज डिसीजन नाउ विल हैव नो रिलेवेंस इन द कॉन्टेक्सट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर सिंस कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन हैज सेवरल प्रोविजन स्पेसिफिकली कवरिंग दीज इशूज तो ठीक है ये तो आप आई पी सी सी में पढ़ोगे तो समझ में आएगा By non-fulfillment of condition, precedent. Precedent means condition. Kuch pehla. Precedent means before. Where the acceptor fails to fulfil a condition precedent to acceptance, the proposal gets revoked. This principle is laid down in Section 6 of the Act. The offerer, for instance, may impose certain conditions, such as executing a certain document or depositing certain amount as earnest money. तो ना अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट किया ना जो मैंने कहा था वो किया तो भैया फिर तो ऑटोमेटिकली ऑफर रिवोक हो गया फेलियर टू सेटिस्फाई एनी कंडीशन विल रिजल्ट इन लैप्स ऑफ द प्रपोजल एस स्टेटेड अर्लीयर कंडीशन प्रिसीडेंट टू एक्सेप्टिट्स एन ऑब्लीगेशन फ्रॉम कमिंग इन टू एक्सिस्टेंस अनिल द कंडीशन इज सैटिस्फाइड ऑब्लीगेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है ज टू सेल इज हाउस टू बी फॉर फाइव लैक्स प्रोवाइडेड बी लीजेज हिज लैंड टू ए अपना घर में तुम्हें पांच लाख में बेच दूंगा भैया पांच लाख ओनली फाइव लैक्स बट तुम्हें अपना जमीन मुझे लीज पे देना होगा इफ बी रिफ्यूजेज टू लीज द लैंड भैया मैं अपना जमीन तुम्हें लीज पे नहीं दूंगा तो जाना भैया तो फिर तो ऑटोमेटिकली मैं कौन सा तुम्हें तो अपना घर देने वाला हूँ द ऑफ़र ऑफ ए इज़ रिवोक्ड ऑटोमेटिकली बाई डेथ और इंसानिटी अगर जो ऑफ़र दिया है वो पागल हो गया या मर गया है तो भैया फिर तो वैसे ही ख़त्म हो गया ऑफ़र ख़त्म हो जाता काउंटर ऑफर से ऑफ़र ख़त्म हो जाता बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफ़र टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजल मोड या सब्सिक्वेंट इ जो ऑफ़र मैंने दिया था अब वो इलीगल हो गया इलीगल तो दोस्त ये थी हमारी यूनिट वन का कंक्लूजन आगे यूनिट टू यूनिट थ्री देखना है करना है लॉ बहुत ही ईजी है प्यार से समझिए समझ के समझिए धीरे धीरे समझिए स्पीड में मत जाइए एक बार समझ लीजिए उसके बाद जितना स्पीड में जाना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है कोई भी दिक्कत हो तो बताइए हर स्टूडेंट को एलएमएस का फैसिलिटी मिला हुआ है हर सेंटर का जिम्मेदारी है एलएमएस का फैसिलिटी स्टूडेंट को देना नहीं मिले तो इस नंबर पर संपर्क करो थैंक यू वेरी मच आई लव यू ऑल बाय